राजनीतिक और धार्मिक नेताओं ने गुरुवार को धर्म और जाति के नाम पर घृणा फैलाने पर रोक लगाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्हें लगा कि अगर सरकार ऐसा नहीं कर रही है तो समाज को यह करना चाहिए या फिर सांप्रदायिक सौहार्द और देश की महानगरीय विरासत को तोड़ दिया जाएगा। देश के सभी शांतिप्रिय नगरियों को समाज को बदलने की कोशिश करने से पहले अपनी सोच को बदलना चाहिए। इन विचारों को महिलाओं और सज्जनों द्वारा व्यक्त किया गया जो शांति संवाद संबोधित करते थे। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए शहर में आयोजित एक आयोजन। बीजेपी के सुल्तानपुर के एमपी वरुण गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि पिछले 10 सालों में 28,000 ऐसे किसानों को गिरफ्तार किया गया है जिन्होंने 25,000 रुपए लिए हैं, लेकिन जिनके पास करोड़ों रुपए चुकाने थे वे आसानी से घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि तालिबान ने लगभग 3,000 लोगों को मार दिया है, जबकि हमारे देश में 9,000 किसानों ने अकेले 2016 में आत्महत्या कर ली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज़।